हेलो फ्रेंड्स, जीनी मैजिक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको येलो ड्रेस पे मेकअप कैसे करते हैं वो बताऊंगी, क्योंकि सबके लिए मुश्किल होता है येलो ड्रेस पे हम मेकअप कैसे करें। ये मैंने मेकअप जो क्रिएट किया है बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेकअप। लेट्स स्टार्ट। मैंने मॉइस्चरिंग क्लीनिंग टोनर अप कर लिया है। अब मैं जो अप्लाई करने जा रही हूँ वो कलर बार का प्राइमर है, जो मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। और जो मैं आज बेस यूज़ कर रही हूँ वो भी कलर बार का ही है। ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा किसी भी स्टोर से, क्योंकि इसकी कवरेज भी अच्छी है। जो मैं इट्स अ लाइट कवरेज कलर बार की, मैं हैवी मेकअप नहीं बता रही हूँ, क्योंकि डेली बेस पे यूज़ करना है हमें, इसलिए मैं कलर बार का प्रोडक्ट अपने हाथ में निकाल रही हूँ। उसके बाद इवन पूरे फेस पे ब्रश की सहायता से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। हमेशा जो आप ब्रश से लगाएं ये आप नीचे की डायरेक्शन में कीजिए, आप ऊपर के डायरेक्शन में मत कीजिएगा, क्योंकि साइड में हमारे फेशियल हेयर होते हैं जिससे प्रोडक्ट आपका अच्छे से स्प्लैट नहीं हो पाता है। अब मैंने डैप ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसे मैंने जो ब्रश की सहायता से अपना फाउंडेशन लगाया था इसको इवन कर रही हूँ, ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाए और जितना मेरे फेस पे ज़रूरी है उतना मेरे फेस पे अप्लाई हो। इसके बाद मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। कंसीलर के लिए मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सुप्रा का है। सुप्रा ये जर्मनी प्रोडक्ट है। मैंने आईज पे, फोरहेड पे, नोज पे और अपर लिप्स के ऊपर थोड़ा सा और साइडों में किया है। ये मैं आईब्रो के नीचे भी कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी लुक आए। मैंने साइड्स में किया है, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक था और इधर। कंसीलर लगाने के बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी इवनली, ताकि मेरे फेस पे कवरेज अच्छी आ जाए। मेरे को ये करने के बाद थोड़ा सा आइस के नीचे थोड़ा लग रहा था कि वहाँ पे थोड़ा और की ज़रूरत है, तो मैंने हल्का सा ब्रश में लेके वहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई किया है और उसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने मर्ज कर लिया है। इसके बाद जो मैं इसको लॉक करूँगी वो क्राइलोन का TL1 है। इसमें कोई कलर नहीं होता है और ये पूरे बेस को सेट कर देता है। आप कलर्स वाले भी ले सकते हैं, बट मैंने TL1 लिया है ताकि ये सबके साथ आसानी से चला जाता है। और इसके अब मैं कंटूरिंग यूज़ कर रही हूँ। ये नायका के प्रोडक्ट है। इसका जो ये पैलेट है ये बहुत अच्छा है। आप जब भी कंटूरिंग यूज़ करें उसमें हमेशा पहले लाइट से स्टार्ट कीजिएगा, एकदम से डार्क मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक बार से डार्क अप्लाई कर लेंगे तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बिगनर के लिए तो स्पेशल। अगर मेकअप आर्टिस्ट हैं तो वो तो बहुत ईजीली से मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है आपको और चाहिए डार्कनेस तो आप हल्का हल्का और बिल्ड कर सकते हैं। मैंने अपने पूरे फेस पे कंटूरिंग कर ली है और इसे ब्रश से अच्छी तरह मर्ज भी कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कंटूरिंग। इसके बाद मैं रेवोल्यूशन का पैलेट यूज़ करूँगी ब्लशर के लिए। अब मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ रेवोल्यूशन का। और जो हमेशा आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें इसे टैप कर लीजिएगा। टैप से क्या होता है, जो एक्सेस होता है एक तो वो आपके फेस पे गिरता नहीं है और जितना ब्रश में आना चाहिए उतना ही आता है। ये मैंने अपना ब्लशर अपने दोनों साइड अप्लाई कर लिया है। और मैंने जो पैलेट लिया था नायका का, अब उसी में से मैं हाइलाइटर लगाऊंगी ब्राउन कलर का। ये मैंने ब्राउन कलर का अपनी नोज़ पे, चीक्स पे और फोरहेड पे अप्लाई कर रहा है। ये लिप पे भी थोड़ा किया है ताकि इसे अच्छी शाइन आती है। आप हमेशा प्रोडक्ट
जो भी इस्तेमाल करें वो हमेशा कम से ही करें। अब मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ। ये आईब्रो का जो है ये भी मेरा नायका का जो सा मैंने पैलेट आपको दिखाया था जिससे कंटोरिंग की है मैंने और हाइलाइटिंग की है, ये उसी में ही है। ये पैलेट बहुत अच्छा है, मैंने नायका से मंगवाया था। अब मैं दोनों आईज को अच्छी तरह फिल कर लूँगी। अब मैं पुली की उससे कर लेती हूँ सेट। मेरा फेस का कंप्लीट हो गया है, अब मैं आईज़ का करूँगी। आईज़ में मैं कंसीलर लगा रही हूँ, जो मैंने आईब्रो की फिल की थी उसको एक हल्का सा शेप दे रही हूँ ताकि ये अच्छी लगे और शार्पनेस आ जाए उसमें। कंसीलर मैंने ये इस्तेमाल किया है क्रायलोन का ही। अब मैं इसको डैप कर लूँगी। डैप करने के बाद मैं इसको TL1 से ही क्रायलोन के उससे सेट कर लूँगी, क्योंकि उससे कलर नहीं आता है। बट मेरे यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, डिलीट हो गई वो वीडियो। ये मैंने नायका से ही ब्राउन कलर पिक किया है दोनों आईज पे। अब मैं थोड़ा और डार्क कलर ले रही हूँ। मैं इसको थोड़ा मर्ज करूँगी लाइट कलर से। ये मैंने पूरी आईज पे कर लिया है ताकि इवन कवर आ जाए, सॉरी कवरेज। अब मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट लूँगी और इस दोनों पे लाइट कलर लेके, ये देखिए ये लाइट कलर लेके मैंने जो हार्श लाइंस नज़र आ रही हैं उसे मैं मर्ज कर लूँगी ताकि मेरी आईज़ पे कोई हार्श लाइंस नज़र ना आए और मेरा मेकअप इवन लगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड लाइन कम हुई है। ये देखिए अब मैं दोनों साइड पे हल्का सा ब्लैक कलर लूँगी ताकि थोड़ा डार्क नज़र आए, बिल्कुल लाइट। डैप किया और ये मैंने पूरी आईज़ पे कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ये ब्राउन स्मोकी दिखाना है तो मुझे उस कलर को थोड़ा और पिगमेंट्स चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा साइडों में ब्लैक कलर लिया है और इसे अच्छी तरह मर्ज कर लिया मैंने ऊपर तक ताकि कोई हार्श लाइन्स नज़र ना आए। इसे करने के बाद मैं स्विस ब्यूटी से ही हाइलाइटर लूँगी अपने आईज़ को हाईलाइट करने के लिए। ये मैंने कलर लिया वाइट स्विस ब्यूटी से, ये मैंने अपने दोनों आईज़ पे लगाया है हाईलाइट करने के लिए। ये हाईलाइट करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी खाली ब्रश से ताकि इसके ब्लेंडिंग हो जाए और हार्श लाइन नज़र ना आए। ये मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि वो इवन एक ही कलर नज़र आए, कि वो अलग अलग सेपरेट नज़र आए। आप देख सकते हैं उसके बाद मैंने ब्रश लिया है और अपनी जो मेरा कलर्स पहले मैंने लगाया हुआ था उसको अच्छी तरह पूरी आईज पे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसमें स्विस ब्यूटी से गोल्डन कलर लूँगी, फिंगर की सहायता से मैं अपनी पूरी लिड पे, पूरी लिड पे नहीं हाफ लिड पे मैं अप्लाई करूँगी। फिंगर से करने के बाद इसे कलर जो कलर पिगमेंट्स हैं वो अच्छा आता है, ब्रश से कम आएगा। उसके बाद मैं ब्रश लेके जो हल्का से लाइंस नज़र आएगी उसे मैं मर्ज कर लूँगी। मर्ज इसलिए कर लूँगी ताकि ये पूरा इवन लगे। उसके बाद मैं ब्रश लूँगी, पेंसिल ब्रश लूँगी और साइडों से दोनों कॉर्नर से मैं इसे मर्ज कर लूँगी ताकि ये लुक अच्छा लगे और ऐसा ना लगे कि हमने हर कुछ अलग से लगाया है। अब मैं साइड में पेंसिल ब्रश लेके वाटर लाइन पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। लाइट ब्राउन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ, एकदम डार्क नहीं लगा रही हूँ क्योंकि उसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब मैं उसके बाद एक लाइट कलर उठा रही हूँ डार्क ब्राउन में ही ताकि ये अच्छा लगे। उसके बाद मैं इसमें काजल साइड में मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है जिससे आईज़ थोड़ी बिग नज़र आए। अब मैं मैबलिन का ही स्केच लाइनर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बिगनर को स्केच लाइनर इजी रहता है अप्लाई करने में। जब उनसे इसमें उनका हाथ सेट बैठ जाता है तब आप लिक्विड लाइनर ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आप दोनों से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं दूसरी आईज़ पे अप्लाई कर रही हूँ।
मेरे से इसमें मस्कारा अप्लाई करने का वीडियो डिलीट हो गया है। मैंने मस्कारा अप्लाई किया था, मस्कारा मेरा मैबलिन का येलो वाला था जो मैंने अप्लाई किया है। ये लाइनर मेरे कंप्लीट होने के बाद मैं इसमें वाटर लाइन में मैं इसमें काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल भी मैबलिन का ही है जेल। ये मैंने दोनों साइड अप्लाई कर लिया है और मैं इसमें लाइट हल्का सा ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ जिससे ये मर्ज हो जाए। अब मेरा आईज मेकअप कंप्लीट हो गया है तो मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक में मैंने मैबलिन की इंकमेंट ली है रेड कलर की, क्योंकि मेरी आईज इतनी हैवी नहीं है और लाइट कम है तो आपको उसमें पता नहीं चल रहा होगा। मैं डायरेक्ट एप्लीकेटर से ही कर रही हूँ, आप ब्रश से भी कर सकते हैं, पहले आउटलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा डायरेक्ट ही कर रही हूँ। ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा फाइनल लुक।